तो भाई जैसे कि आप जानते हैं रमजान चल रहा है, मार्केटों में सन्नाटा लगा हुआ है, ये ढाड़ा इधर बैठा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं है, ये बंद है, ये इधर बैठा हुआ है। वो वाले आप निकालो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। कुछ पूछा मैंने कुछ। दुबई से आने के बाद जो है वो मैं 4-5 दिन कुछ बीमार हूं, मेरा गला खराब, बुखार हो गया था, तो कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया हमने। रमजान अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। मेरी तरफ से आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्हम्दुलिल्लाह सब रोजे रख रहे होंगे मेरे ख्याल से, और नेक काम करने हैं, सबने बुराइयां छोड़ देनी है, गिबत नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलने। आपकी तरफ से क्या मुबारक हो? रमजान मुबारक। आप रोजा रख रहे हो? पक्की बात है? चल झूठा। आज जो है वो 5वां रोजा हो चुका है। डाड़ा डाड़ा तुमने कितने रोजे रखे? सही से बताओ ईमानदारी से। अभी तो 3 रोजे हुए, 5 की तरफ से हो गए। अच्छा 3 हो गए? हां ना। अच्छा इसका मतलब इसके 3 लगे, 5वां रोजा है, अभी 3 हुए। ये होश में नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा। डाड़ा ऐसे नहीं करो यार, 5वां रोजा चला, लोगों को पता है सबको। 12 तारीख को पहला रोजा था। अरे यार डाड़ा, इसके हवाले करके गया था मैं दुकान, दुकान का माशाल्लाह से कर दिया बेड़ा गर्क, एक काउंटर तोड़ा, फिर पता नहीं क्या तोड़ा, अभी लाइटें खराब कर दी। डाड़ा तुमको किसने मेरे पीछे लगाया यार? कौन है दुश्मन मेरा? पता नहीं क्यों किया तुमने ऐसा। हो जाता है, तुम करता नहीं, हो जाता है। और बाथरूम में भी तुम खुद करता है, वो भी हो जाता है खुद ही। कभी-कभी। जैसे कि आप जानते हैं रमजान चल रहा है, मार्केटों में सन्नाटा लगा हुआ है, ये ढाड़ा इधर बैठा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं है, ये बंद है, ये इधर बैठा हुआ है। अरे भाई मेरा मुबारक हो तुमको, रमजान मुबारक हो। हाथ मिला लो। वहाँ भी ये सब बैठे हैं, सारा गली पार्क बैठी हुई है यार। आज माशाल्लाह तुम्हारी तबीयत सही लग रहा है। उसको लगी हुई थी खारिश बहुत खतरनाक वाली, डॉक्टर के पास शुक्र है अभी आराम आ गया। गुड। रोजा रख रहा है नहीं रख रहा ये बताओ? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यार तुम्हारा मुंह देख के लगता है कि बाकी रोजा रख रहा है। तुम लगता है पूरा साल रोजा रखता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। रोजे में भी लेडीज रोजा नहीं देख रहे, शर्म नहीं आती तुम? शर्म नहीं आती तुम? तो भाई रमजान में किसी का काम चले नहीं चले, माशाल्लाह शौकों का काम जोरों शोर से जारी है। शौकों ने यार पूरा जो है ना वो बढ़ा दिया अपना मेन्यू, यहाँ पर रखे ब्लैक कलर के छोले और ये समोसे। अस्सलाम, कैसे भाई? रमजान मुबारक आप लोग हमारी तरफ से। यहाँ पर अलग बन रहे हैं समोसे, होए होए होए, क्या क्रिस्पी लग रहे हैं यार। और ऑयल भी माशाल्लाह अच्छे वाला यूज करें भाई, जो मैं घर में यूज करता हूँ। शौकों की ये बात है, जो जो अपने घर में चीज यूज करता है वही कस्टमरों को दे रहा है। और ये समोसे देख कर दिल चाह रहा है मैं अभी रोजा खोल लूँ, लेकिन अभी टाइम है 2 घंटे। तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या? क्राउड आ गया सारा भाई, खरीदते जाओ खरीदते जाओ। छोड़ो तो भाई, वन मैन आर्मी बना हुआ, अकेला काम कर रहे हैं सारा भाई। और आ रहे हैं लड़के, आ रहे हैं बंदे रखे आपने? और भी भाई, असर की नमाज का टाइम हो गया है। अली साहब जो है स्कूल से आने के बाद सो गए हैं, रमजान में उनका स्कूल खुला है बेचारा, बड़ा बेजार है, तो मैं जल्दी से मस्जिद पहुंचूं, जमात चल रही है। नमाज पढ़ के घर आ गया हूँ मैं, देखूँ अली साहब उठाए नहीं उठाए, क्योंकि रोजा तो रखने इसको दिया नहीं हमने, उसका मूड खराब है हमसे कि हम इसको रोजा नहीं रखने दे रहे। स्कूल जा रहा है, कैसे रोजा रखेगा? स्कूल में सुबह सुबह जाना, फिर वो 1 बजे छुट्टी होती है, मुश्किल हो जाती है। खोल दो। अस्सलाम वालेकुम, उठ गए हो? नमाज पढ़ी है? अभी उठे। अच्छा चलो बेबी, विशु आपका रोजा है? विशु का रोजा है? कहाँ रखा है? मम्मा के पास रखा है ये भाई, इसने मम्मा, लोग बच्चे बोलते हैं फ्रिज में रखा है, टमी में रखा है, कहती मम्मा के पास रखा। अली आपका सब पूछना है, अली कहाँ है? अली को दुबई भी नहीं लेकर गए हो, और दुबई में अली के बगैर मजा ही नहीं आ रहा, और यहाँ पर भी आप बात ही नहीं कर रहे कोई। यार क्या मसला है यार? बाबा मैं क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, क्या मतलब है? बताओ बताओ ना। जॉगिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, रोजा खुलने में पूरा 1 घंटा बाकी है, तो एक्सरसाइज करके आ जाता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है, ताकि जब तक मैं वापस आऊँ रोजा खुलने वाला हो जल्दी जल्दी। बैठ गया नीचे, आप क्या करना है बताओ, जल्दी आओ, मुझे कहीं बैठो बैठो, ऊपर चढ़ेगी। ए मेरा फोन नहीं गिरा देना, चलो चलो अभी बैठो, विशु करते डिश, चलो चलो बाय बाय। तो भाई मुझे लगा पार्क में शायद मैं अकेला पागल आया हूँ, पार्क खचा कच भरा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं, और हम पॉजिटिव रहते हुए सोचते हैं कि माशाल्लाह जितने लोग आए हैं सबका रोज़ा है। ये देखिए आगे भी पूरा भरा हुआ है फुल लोगों से, और पीछे भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं भाई। यहाँ पर बच्चे माशाल्लाह फुटबॉल भी खेल रहे हैं, और ये बच्चे का शूट देखने के लिए हम रुक गए हैं। चलो भाई देखें क्या होता है। 1 2 3
गोल। ओ भाई टोटल लगाए 3 राउंड, 2 लगाए वॉक, 1 लगाई जॉगिंग। कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ। जॉगिंग लगाने के बाद पता चला कि अपनी तो फुल लगे ली है भाई, स्टेमिना की फुल लगे ली है, वाट लगे ली है भाई। उफ 1 राउंड लगाया जॉगिंग का, ऐसा लग रहा था कलेजा जो है वो मुंह को आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह छोड़ना नहीं है भाई। इस रमज़ान में इंशाल्लाह टारगेट है मेरा, और आप सब भी गवाह रहेंगे इंशाल्लाह, आप सबको गवाह बना के बता रहा हूँ मैं। इस रमज़ान में इंशाल्लाह 8 से 10 kg वज़न कम करना है। चल झूठा, अल्लाह पाक बस हिम्मत दे इंशाल्लाह। अभी रोज़ा खुलने में लगे हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट, जल्दी से निकलते हैं घर। हाँ भाई मेरा पहलवान, चलो चलो उठाओ उठाओ, देख रहे हेलीकॉप्टर हल्के में लिया, अली माशाल्लाह ये बोतल उठा के अंदर लगा लेता है भाई। रोज़ा खुलने बैठ गए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खुलने में सिर्फ 2 मिनट लगे, जल्दी से करते हैं दुआ। 3 weeks later. तो भाई रोजा खुल के थोड़ा मैं सो गया था, कौन कौन लोग हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा जिनको रोजा खुलने के बाद नींद ऐसी आती है कि जैसे बेहोश हो रहे हैं। मैं तो उनमें से हूँ जो बेहोश हो जाते हैं भाई। अरे चाय आ चुकी है इस वक्त, क्योंकि रोजे रख के रोजा रखो तो सर में काफी दर्द हो जाता है, तो चाय बहुत मस्त है। इसके बाद फौरन हम जा रहे हैं तरावियों के लिए, अली रेडी हो रहा है बस फिर निकलते हैं। अली आप कैसे लेट हो गए यार आज, फिर यार इतनी देर से रेडी हुए, इसकी वजह से लेट हुए हम, लेट हो गए आज तरावी पढ़ने से, तरावियां स्टार्ट हो चुकी हैं। A few moments later. तो भाई तरावी पढ़ के हम लोग आ चुके हैं, अली साहब को मैंने छोड़ दिया है घर पे। हाँ। क्योंकि अली को खेलने कहाँ जाना है अभी? क्रिकेट खेलने जाओगे कहाँ पर? हाँ तो यार कोई बात नहीं, गली में खेलोगे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने गलियों में खेल के सीखा है, आप भी सीख जाओगे। हाँ। किसी दिन क्या पता बाबर आजम के रिश्तेदार बन जाओ, देखो गलियों में। विराट कोहली के रिश्तेदार। अच्छा विराट कोहली के रिश्तेदार बनना है आपको, बताइए भाई मजे करो। ये भाई डाडा साहब की मेहरबानी है, तो लाइटें भी खराब कर दी है, लाइटें बनवा दें क्योंकि फुल अंधेरा लग रहा है रात के टाइम पे बिल्कुल। इस वक्त तो मोबाइल का फ्लैश जल रहा है तो पता चल रहा है, वरना तो लाइट है ही नहीं। तुम पेचकस भी नहीं लग रहा है, कटर भी नहीं लाया है। तुम सही मैकेनिक है भाई, बगैर बंदूक के तुम जो है ना जात करने निकला है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भाई तरावी पढ़ के घर आ गए हैं, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे ही ज्यादा भूख लगती है, आप सबको भी लगती है, क्योंकि रोजा खुलने के बाद मैं सोता हूँ, चाय पी के जाता हूँ, नमाज पढ़ने जब आता हूँ तो भूख से जान निकल रही होती है। कमेंट करके बताइए आप लोग रमजान में कितनी दफा खाते हैं सहरी और इफ्तारी के अलावा। हमारे दुबई के जो व्लॉग्स हैं वो मैंने सारे डाले नहीं, क्योंकि आपको पता है आपके भाई को जो है वो एडिटिंग इतनी ज्यादा आती नहीं है, तो एडिटिंग में मैं बहुत ज्यादा स्लो हूँ, तो स्लो स्लो जितना एडिट होते हैं वो मैं डालते जा रहा हूँ, तो इसके साथ साथ हम रमजान के ब्लॉग भी डालते जा रहे हैं साथ साथ। पूछा मैंने कुछ। खाना आ गया है, चावल है और सालन है, और मैं जल्दी से खाता हूँ खाना, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर मस्ट करें, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।